वो वास्तव में है भी या नहीं, यानी अल्लाह ताला के होने का क्या सबूत है और मुसलमान इसे कैसे साबित करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में कई जगहों पर फरमाता है कि तुम अपने रब की निशानियों पर गौर और फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान में कई ऐसी आयात है जो साइंस से मिलती है, मगर हम गौर और फिक्र नहीं करते। आज मैं आपको अल्लाह के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो देने आ रहे हैं नूरे हदीस, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की और बहुत बेहतरीन वीडियो आज की। ये वीडियो है जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी ऐसे से गोल गोल घुमा करती है, जबकि पूरी दुनिया में कोई हलचल नहीं होती, हम लोग खड़े हैं ज़मीन पर, कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग जो ऐसे जो कमेंट करके पूछते हैं ना कि मतलब अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह की कितनी अहम निशानियाँ हैं, आइए इस वीडियो से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने दुनिया को पूरे कायनात को ऐसे तरीके से बनाया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, ये समझ लीजिए एक पेन होता, पेन को ऐसे यूं लगा दिया, ये छोटा सा मतलब तिनका, एक छोटा सा दाना, राय के दाने के बराबर की दुनिया नहीं है हमारी, ये समझ लीजिए आप, ये जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। हम लोग आइए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये दुनिया के बारे में, कि दुनिया किस तरह से घूमती है, सूरज के चक्कर लगाती है, कहाँ दिन होता है, क्यों रात होता है, क्यों ठंड होती है, क्यों गर्मी होती है, क्यों बारिश होती है, हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए आइए हम पहले वीडियो देखते हैं, समझते हैं कि कितनी क्या अल्लाह फरमाया है और बेहतरीन वीडियो है इसकी, इसको शेयर ज़रूर करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, कुछ गैर मुस्लिम भाई लोग ये पूछते रहते हैं कि अल्लाह ताला के अस्तित्व वास्तव में है भी या नहीं, यानी अल्लाह ताला के होने का क्या सबूत है और मुसलमान इसे कैसे साबित करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में कई जगहों पर फरमाता है कि तुम अपने रब की निशानियों पर गौर और फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान में कई ऐसी आयात है जो साइंस से मिलती है, मगर हम गौर और फिक्र नहीं करते। आज मैं आपको अल्लाह के बनाए हुए ऐसे निज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्या आप जानते हैं जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी जगह पर 365 बार घूम चुकी होती है, और पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 24 घंटे लगाती है। जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी 60 गुना ज्यादा तेज होती है। अल्लाहु अकबर, पृथ्वी की इतनी स्पीड होने के बाद भी हमें धरती पर कोई हलचल महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला ने पृथ्वी को घूमता हुआ बनाया है। सोचो, अगर ये पृथ्वी ना खुद की जगह पर घूम रही होती और ना ही सूरज के चक्कर लगा रही होती तो क्या होता। अगर पृथ्वी अपनी जगह पर ना घूमती तो हम कभी मौसम में बदलाव ना देख पाते। सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश का मौसम, ये सब कभी नहीं होता। जिस जगह सर्दी होती उस जगह हमेशा सर्दी ही रहती, जिस जगह गर्मी होती उस जगह हमेशा ही गर्मी पड़ती रहती, और फिर सर्दी गर्मी की लगातार मार से ये दुनिया खत्म हो जाती। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। सोचो, अगर अल्लाह ने पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने वाली ना बनाया होता तो दिन और रात का कभी भी मसला ही पैदा नहीं होता। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ हमेशा दिन रहता है, और पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में हमेशा रात होती है। दिन वाला हिस्सा सूरज की गर्मी से जलकर राख होने लगता तो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा इतना ठंडा हो जाता कि वहाँ हर चीज जमकर बर्फ बन जाती, और फिर ना धरती पर पेड़ पौधे उगते ना ही इंसान जी पाते। तो शुक्र करो अपने रब का जिसने पृथ्वी को घूमता हुआ बनाया। हमने ये तो जान लिया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूरज से दूर क्यों नहीं जाती या सूरज के पास क्यों नहीं आती। इसकी वजह यह है कि सूरज में पाए जाने वाला वो आकर्षण बल जो पृथ्वी को ना सूरज से दूर जाने देता है ना सूरज के करीब आने देता है, बल्कि पृथ्वी को एक सर्कल में घुमाता रहता है। अगर अल्लाह ताला ने सूरज में ये गुरुत्वाकर्षण बल पैदा ना किया होता तो हो सकता था कि हमारी पृथ्वी सूरज से कई किलोमीटर दूर चली जाती या सूरज से ही टकरा जाती। सूरज हमारे जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। सूरज के ना होने से पृथ्वी एक बर्फ का गोला होता। सूरज की वजह से मौसम बदलते हैं, सूरज की वजह से ही पेड़ पौधे उगते हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ने पृथ्वी को सूरज से इतनी सटीक दूरी पर रखा है कि ना हमें असहनीय गर्मी लगती है ना हमें असहनीय सर्दी लगती है। पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये दूरी हमें जिंदा रहने के लिए एकदम सही है। अगर अल्लाह ने चांद ना बनाया होता तो आज एक दिन सिर्फ 6 से 7 घंटे का होता, क्योंकि अल्लाह ने चांद में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल पैदा किया है जो पृथ्वी को तेजी से घूमने से रोकता है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी अपनी जगह पर बहुत तेज घूम रही होती।
चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। अब ये ज्वार भाटा क्या है ये आप गूगल करके देख लीजिए। चांद सूरज की रोशनी से चमकता है ये साइंस भी कहती है, और ये बात कुरान की सूरह 10 आयत नंबर 5 में भी लिखी है। अगर चांद रात में ना चमकता तो रातें इतनी अंधेरी होती कि हम अपना हाथ भी ना देख पाते। जब हम धरती से सूरज और चांद को देखते हैं तब हमें दोनों बराबर साइज के दिखाई देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और चांद से 400 गुना बड़ा है, जबकि चांद पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चांद पृथ्वी से सिर्फ 384,000 किलोमीटर दूर है। साइज और दूरी में इतना ज्यादा अंतर होने के बाद भी अल्लाह ने सूरज और चांद को ऐसी जगह सेट किया है कि हमें दोनों एक साइज के दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के, पर फिर भी ये तीनों एक दूसरे से टकराते नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जाकर पकड़ सके, और ना रात दिन पर वर्चस्व ले जा सकती है यानी काबू ले जा सकती है। ये सब एक फलक यानी आकाश में आसमान में तैर रहे हैं। तो दोस्तों बताओ, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम नहीं तो और क्या है? आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि धरती में एक ऐसा बल पाया जाता है जो हमें धरती पर ठहराए रखता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी कहते हैं। अल्लाह ताला सूरह नमल की आयत नंबर 61 में फरमाता है कि अल्लाह ने पृथ्वी को ठहरने की जगह बनाया। इस आयत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ इशारा है। सोचो, अगर अल्लाह ने जमीन में ये ग्रेविटी ना बनाई होती तो ये दुनिया की हर चीज हवा में उड़ रही होती, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना हम सांस ले पाते, क्योंकि बिना ग्रेविटी के पृथ्वी का सारा एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में चला जाता, सारी गैसें स्पेस में चली जाती, समुद्र नदियों का पानी वेपर बनकर उड़ जाता, फिर कभी बारिश की शक्ल में नीचे नहीं आता, क्योंकि बारिश की बूंदें ग्रेविटी की वजह से ही जमीन पर गिरती है। धरती फट जाती क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई है। पृथ्वी के अंदर का सारा लावा बाहर आ जाता, और आखिर में इस पृथ्वी पर किसी जीव का यानी किसी जिंदगी का जीना नामुमकिन हो जाता। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? दोस्तों एक बार सोच कर देखो कि अगर अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन के गैस ना बनाई होती तो क्या होता? अगर ऑक्सीजन ना होती तो इस धरती पर पानी का नामो निशान ना होता, क्योंकि पानी दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो पानी ही ना बनता। अगर ऑक्सीजन ना होती तो आप कभी इमारतें नहीं बना पाते। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें आप बनाते हैं ये नहीं बना पाते, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट को रोकने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के पृथ्वी फूट जाती। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन नामी एक परत होती है जो ऑक्सीजन की बनी होती है। ये परत तो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन ना होती तो ये ओजोन लेयर भी ना होती, और धरती की हर चीज सूरज की गर्मी से जलकर खाक हो चुकी होती। अगर अल्लाह ताला ऑक्सीजन ना बनाता तो आज ना इंसान होते, ना जानवर होते, ना ही पेड़ पौधे उगते। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है, और दुनिया में 8 अरब इंसान, 87 लाख जानवरों की अलग अलग प्रजातियां और 3 लाख करोड़ पेड़ पौधे हैं। सभी को जिंदा रहने के लिए दिन रात ऑक्सीजन चाहिए होती है, मगर अल्लाह की कुदरत है। देखिए, ये 21% ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पेड़ पौधे कई चीजों से ऑक्सीजन बनती रहती है और दुनिया चलती रहती है। आपने कभी हमारे सोलर सिस्टम पर गौर किया हो? हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा यानी सूरज, 8 प्लैनेट और 796,354 छोटे छोटे प्लैनेट है। ये सारे अपनी जगह के साथ साथ एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग तय दूरी पर रहकर अलग स्पीड में, मगर फिर भी ये एक दूसरे से टकराती नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, ना कि किसी इंसान का बनाया हुआ। हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूरज, सूरज से 1700 गुना बड़ा है UYSQT नामी तारा, और ऐसे अरबों खरबों तारे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज है। गैलेक्सी में पृथ्वी की हालत ऐसी है जैसे कि एक बड़े से रेगिस्तान में एक धूल का कण। तो बताओ, इन सब पर किसका काबू है? बताओ, किसने इनको थामे रखा है? तो बताओ, ये सिस्टम किसने बनाया है? तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? कुछ गैर मुस्लिम भाई लोग ये पूछते हैं कि अल्लाह ताला है या नहीं, अल्लाह ताला के होने का सबूत क्या है? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह कोई अलग ईश्वर नहीं, बल्कि दुनिया के हर धर्म के किताबों में बताए गए एक और निराकार ईश्वर का ही नाम है। जहाँ तक अल्लाह के अस्तित्व का सबूत होने की बात है, तो अल्लाह के होने का सबसे बड़ा सबूत है कुरान पाक, जिसके विषय में अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी को कुरान के बारे में शक हो कि ये आदमी का लिखा हुआ है, ये इंसान का लिखा हुआ है, तो उसे चैलेंज है कि वो कुरान जैसी एक ही आयत बनाकर लाए, और अगर ना ला पाए तो ये मान ले कि ये कुरान तुम्हारे रब का ही भेजा हुआ है। लेकिन 1400 साल बीत गए, कुरान का ये चैलेंज अब तक कायम है, और कोई भी इंसान कुरान जैसी कोई आयत नहीं ला सका। ध्यान देने की बात है कि कुरान का अवतरण एक ऐसे महापुरुष पर हुआ जो ना तो पढ़े लिखे थे, ना ही पेशे से कोई वैज्ञानिक या चिकित्सक थे। इसके बावजूद कुरान में ऐसी ऐसी विज्ञान की बातें आज से 1400 साल पहले लिख दी गई है, जिनको पढ़ के आज भी आधुनिक विज्ञान का ज्ञान रखने वाले अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आप ही सोचिए, ब्रह्मांड के जन्म की बिग बैंग थ्योरी, चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना नहीं, धरती का आकार वास्तव में गोल है, पेड़ पौधों में भी जीवन है, आदमी बच्चे के जन्म की प्रक्रिया जैसे कि विज्ञान की जिन बातों का ज्ञान मनुष्य को अब से महज
डेढ़ दो सौ साल पहले ही हो सका है, तो अब से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उस ज्ञान के पहुंचने का स्रोत क्या था? और कोई सोर्स आपको समझ पड़ता हो तो बता दीजिए, नहीं तो ये मान लीजिए कि निश्चित ही वो अल्लाह था जिसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये ज्ञान दिया। आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी अनोखी बातें हुई है जिनके होने का क्या कारण था, विज्ञान इस पर चुप रहा है और हार कर दुनिया के वैज्ञानिकों को मानना ही पड़ा है कि कोई ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जिसे विज्ञान के द्वारा समझा नहीं जा सकता। और जो विज्ञान से परे होने वाली ऐसी घटनाओं का कारण है, यही सुपर नेचुरल पावर है अल्लाह। और अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसी कई चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया है जिन पर विज्ञान चुप है। जैसे अल्लाह ने मिस्र के जालिम शासक फिरौन की लाश को सदा के लिए बचाए रखने का पवित्र कुरान में वादा किया है ताकि फिरौन के अंजाम से दुनिया वाले इबरत हासिल कर सके, यानी सबक ले सके। अब से 100 साल पहले कुरान की वो लाश सागर में उतराती हुई पाई गई, जिस पर कई रिसर्च करने के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि फिरौन की मौत के 3000 साल बाद भी उसका शरीर सड़ गल कर ख़त्म क्यों नहीं हुआ। जब विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो फिरौन की लाश पर 1981 में रिसर्च करने वाले फ्रांस के एक साइंटिस्ट डॉक्टर मॉरिस बुकाय इस चमत्कार के पीछे के कारण उस सुपर नेचुरल पावर अल्लाह के आगे नतमस्तक हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जिन लोगों को भी अल्लाह के अस्तित्व पर शंका है, मेरी उन लोगों को यही सलाह है कि वह दुनिया में फैले चमत्कारों जैसे बरमूडा त्रिकोण, फिरौन का अक्षय शरीर आदि के उत्तर ढूंढ कर लाने की कोशिश करें। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश करें कि पवित्र कुरान में विज्ञान की वो बातें कैसे दर्ज कर ली गई थी जिनका ज्ञान 1400 साल पहले किसी भी आदमी को नहीं था। और अगर आप इन सवालों का कोई जवाब ना ढूंढ पाए तो मान लीजिए कि इन सब बातों के पीछे अल्लाह ही वजह है। मुझे तो अपने अल्लाह के अस्तित्व पर पूरी तरह विश्वास है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो मैंने जब भी अल्लाह से पूरे विश्वास के साथ दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल हुई है। जिन लोगों का भी विश्वास अल्लाह के बारे में डावाडोल रहता है, वो पहले कुरान के प्रमाणों पर शोध करके ये जान ले कि अल्लाह का अस्तित्व है, फिर केवल एक अल्लाह में विश्वास करते हुए दुआ मांगे, तो जब उनकी दुआएं कबूल हो जाएगी तो उन्हें ये विश्वास भी हो जाएगा कि केवल अल्लाह ही पूज्य प्रभु है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो हमने देखा कि वाकई में अल्लाह ने दुनिया को किस तरह से बनाया है, एक एक चीज़ अल्लाह ने रच रच के बनाया है इस दुनिया को, एक एक चीज़। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, ये वो फलाना नहीं वाक, इस तरह के, तो वो जान लें कि कुरान में अल्लाह ने हर चीज़ बता दी है। कुरान तो हर लैंग्वेज में आती है, जो जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहे पढ़ लें, अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान में वो सब कुछ अल्लाह ने बता दिया है कुरान के ज़रिए से। और हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही तमाम चीज़ें बता दी जो आप दुनिया में हो रही हैं। और छोटे से छोटे कीड़े को अल्लाह ने बनाया है, पूरे जानवर, आरिंद परिंदे, चरिंदे, पेड़ पौधे, सब कुछ अल्लाह की बनाए हुए समझ लीजिए है। तो अल्लाह एक है और अल्लाह ही पूरी दुनिया को चला रहा है, ये समझ लीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने कहा कई बार भी, तो नए हजरात सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। और शेयर करने का मतलब ये जितना हो सके शेयर करें ताकि मुझे यूट्यूब की तरफ से कुछ एडवांटेज मिले। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।